Ahmed Ali Akbar. How are you? I'm good. How thank are you? Thank you so much. Good, good. Thank you for giving us this time. No, thank you for having me. Thank you. Okay, हम वैसे आपके पीछे बहुत अरसे से पड़े हैं। जब आप लोग किसी और मुल्क में थे। हम किसी और मुल्क में थे। हम सिंगापुर में थे तब से। I think कराची से लाहौर के बाद से ही हम आपके बहुत बड़े फैन हो गए थे। And तब से हम we wanted to have an interview with you, but finally we've gotten hold of him. So any fan moment, जो और Instagram पे या किसी ने बहुत crazy है ना आपको यार। होता रहा है। Anything you want to share with us? Yeah, yeah. एक दफा तो ये था कि मैं Boat Basin पे ride कर रहा था और बहुत ज़्यादा traffic थी और मैं अपनी दोस्त के साथ था और एक गाड़ी के साथ से गाड़ी गुजरी और मुझे नजर आया कि अच्छा उन्होंने notice कर लिया। Kept turning around. हम थोड़ा सा आगे गए ऐसा ऐसा एकदम से भागी भागी एक लड़की आती है कहती है मैं आपके साथ तस्वीर खींच सकती हूँ। मेरी विंडो रोल डाउन थी। मैंने कहा हाँ हाँ मैं गाड़ी साइड पे कोई नहीं है स्टिक्स हेड इनसाइड शी पुश्स द फोन एंड शी क्लिक्स एंड शी जस्ट रन्स अवे बट देयर इज अनदर स्टोरी दैट आई लाइक टू शेयर एंड इट्स काइंड ऑफ क्रीपी। ओके मैं सिनेमा से मूवी देख के घर गया और मैं खाना गर्म किया और खाना जैसे ही खाने लगा तो घंटी बजती है। मैं बाहर गया मैंने कहा कौन मुझे गाड़ी स्टार्ट होके निकलने की आवाज़ आती है। मैंने कनेक्ट नहीं किया मैं वापस आया मैंने जब फ़ोन देखा तो मुझे मैसेज आया कि वाज मी आई नो वेयर यू लिव। मैंने जब अपनी अम्मी से कहा कि ओह देखो तुम्हारे कितने फैंस मैंने कहा यू डोंट सी दैट इट्स क्रीपी इट्स स्केरी या ओह माय गॉड सो नाउ वी आर गोना प्ले टैबू विद यू। ओके या क्या करना होता है इसमें। हाँ इसमें मैं आपको तीन या चार वर्ड्स या चीज़ें बताऊंगी लाइक इंडिकेशंस एंड यू गोना गेस व्हाट द वर्ड इज। ओके ओके एंड इट्स ऑल रिलेटेड टू योर वर्क एंड टू आवर इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग नथिंग टू ऐसा नहीं ठीक है। ओके द फर्स्ट वन इज नॉट एन ऑब्जेक्ट फ्लाई एंड हैज अ कलर। चीज नहीं है रंग है उड़ता है। लाल कबूतर रियली अगर फिल्म का नाम ना होता तो मैं कभी भी ना गेस कर सकता बट फिल्म के नाम से ही किया हमने। ओके द नेक्स्ट वन इज कांस नॉट हॉलीवुड फवाद खान। मायरा खान वाओ यू आर गुड। ओके ओके द थर्ड वन इज आंगन ड्रामा योर लीड स्टार राइमिंग नेम अहद। नो वेट 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 आंगन ड्रामा ओ मंशा पाशा और लाइक मंशा सुन ले मैं इसको अभी मतलब कि अभी फ्रेश फ्रेश 300 तो आंगन ड्रामा आए होंगे मेरे गाइस। आई नो सीरियसली दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग आई वाज लाइक ओह गॉड ये तो बहुत सारे आंगन ड्रामे। ओके ओके सो द लास्ट वन इज टू सिटीज आयशा उमर नॉट सीक्वल। नॉट सीक्वल या कराची से लवर He's so good at this. Salaam. Okay, so I think we're done with all this part. Okay, so अगर आपको अपने अपने आप को introduce कराना हो on a show, just like आपने इतने सारे like you've done the award shows also. So how would you introduce yourself in three words or a sentence? I would say Assalamu alaikum. This is Ahmed Ali, an inconsistent explorer who does not know what he's where he's going to be in the next 5 days. In the next 5 days. Let alone 5 years. So, लोग मुझसे पूछते थे ना बचपन में, where do you see yourself in 5 years? It's like I don't know where I'll be next week. Yeah. And that's the thrill of it, and that's what I enjoy. Yes. I like that. So, okay. I don't want to plan so far ahead. I do know, मुझे ये पता है कि मेरी मंजिल क्या है, my goal in life. But वो भी cloudy सा है. और उसका जो रास्ता है वो कनेक्ट नहीं हो रहा मुझे सिर्फ सामने का रास्ता नजर आ रहा है और रास्ते नजर आ रहे हैं। Seriously, I think it's pretty connected up. I mean, hoga, I'm sure. Yeah, you're inshallah getting there. But the thing is, I don't know what I will do tomorrow. I could be doing something completely different. And I think that's the beauty of life. You can choose what to do. उसके लिए आपको एक चीज करना बड़ा जरूरी है. You have to prioritize. You have to cut everything that's useless in your life. जो जरूरत है एंड देन यू हैव द वर्ल्ड ओपन टू यू यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। टेनिस म्यूजिक क्रिकेट एंड एक्टिंग लाइक ये सब आपके साथ रहा है और अब इस वक्त आपके साथ एक्टिंग इज द वन थिंग सो टेनिस एंड क्रिकेट
नहीं अभी भी खेलता हूँ, अभी भी खेलते हैं क्रिकेट जरा, क्योंकि पहले मैं प्रॉपर क्लब क्रिकेट खेलता था और क्रिकेट के लिए आपको पूरा ग्राउंड चाहिए होता है, कोई विकेट चाहिए होती है और 22 लोग चाहिए होते हैं, सो इट्स अ लिटिल हार्ड टू गेट एवरीबॉडी टुगेदर टू प्ले अ मैच क्रिकेट, और पूरा दिन चाहिए होता है, तो क्रिकेट अब स्ट्रीट क्रिकेट के लेवल पे आ गई है, और टेनिस जो है वो क्योंकि मेरी फैमिली में है तो जब भी हमारा दिल चाहता है भाई हम जाके खेलना शुरू हो जाता है। ओह ओके दैट्स ग्रेट, यू हैव अ ह्यूज ह्यूज फैन फॉलोइंग एंड फीमेल फॉलोइंग फैन फॉलोइंग, सो व्हाट्स द रीजन, आपको क्या लगता है किस चीज से वो क्या है? ड्रामे 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 देखती हैं बहुत ज्यादा, और मेरी और यमुना की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है ऑन स्क्रीन, यमुना के साथ काम करने का मज़ा भी बहुत आता है, और हमने जो एक दो स्टोरीज की हैं वो बहुत इमोशनली ड्रिवन थी, और एक जो थी वो बहुत वेरी गुड इमिटेशन ऑफ लाइफ थी, जो ये रहा दिल जो था, ये रहा दिल, यस, उसमें सिर्फ रोना धोना नहीं था बल्कि बहुत रियलिस्टिक था, हमें करने का भी बहुत मज़ा आया था और बहुत अच्छे मोमेंट्स थे दैट वी कुड रिलेट टू और वी जस्ट इन्जॉयड डूइंग देम, सो आई थिंक उसकी वजह से आई थिंक आप ऑनेस्ट हों, ऑथेंटिक हों, रियल हों तो लोग कनेक्ट करते हैं, एंड आई थिंक यमुना के साथ वो चीज़ निकल के आती है। ओके टेल मी समथिंग अबाउट द अवार्ड होस्टिंग्स एंड शोज़ पे, हाउ इज़ दैट, थोड़ा सा आई वांट टू हियर अबाउट, नर्व-रैकिंग, आई एम श्योर नर्व-रैकिंग, क्योंकि मैं होस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं थिएटर परफॉर्मर हूँ, तो मुझे जो चीज़ मिली थी आई हैड टू मेमोराइज इट, मैंने उसमें खुद भी चीज़ें डाली, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया, जो इंटरेक्शन थी वो इम्प्रोवाइज की थी, और अच्छा द इंटरेक्शन दैट यू आई कैन आस्क यू दिस, द इंटरेक्शन दैट यू गाइस डू व्हेन यू गो डाउन, इट्स ऑल इंप्रोवाइज्ड, आई मीन द क्वेश्चंस आर पहले से लिखे हुए होते हैं एंड यू नो कि कौन सी प्लेसमेंट, हां वो हमें ढूंढना पड़ता है, मायरा यहां बैठी है, वो उधर वो जब सारे बैठते हैं तो हम पीछे से नोट कर लेते हैं कौन कहां बैठा हुआ है, सो वी गो डायरेक्टली टू देम, एंड अगर मेरे साथ कोई और होस्ट है तो वी विल प्रोबब्ली डिवाइड क्वेश्चंस एंड फैले हुए होंगे, वो वहाँ होगा तो उसको पता होगा मैंने किसका सवाल किससे पूछना है, बट हाँ इट्स इट्स सम ऑफ द बट वो जो जवाब देते हैं उसके बाद हमने जो कहना होता है वो इम्प्रोवाइज होता है, वो इम्प्रोवाइज होता है, ऑफ कोर्स टू एक्सटेंड द जोक दैट्स इम्प्रोवाइज। ओके सो अब मैं आफ्टर द नेक्स्ट वन इज गोइंग, आई एम गोना आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस एंड यू आर गोइंग टू आंसर इन अ सेंटेंस, ठीक है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन पीपल आस्क शादी कब होगी, तो उसका एक सेंटेंस में जवाब दो, जब कोई मिल जाएगा। द रीजन व्हाई अहमद अली अकबर इज अ ह्यूज सक्सेस, आई वाज एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ लक बाय द वे, माय फादर सेज के व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन, ओह यस दैट्स लक, आई थिंक दैट्स अभी तक वही होता रहा है, कर्मा। द एक्टर हु इंस्पायर्स यू द मोस्ट, मेरिल स्ट्रीप, डैनियल डे लुइस, मार्लन ब्रांडो, something that people don't know about AAA, it's so much I'm easy an introvert. To say AAA, like I'm an introvert, you're an introvert, yeah. Oh okay, and I like my own time when there's nobody around, abhi introvert ko hum sare shehar mein ghumayenge abhi hum, can you answer with a, okay ab ye hamara bada pet hota hai waise, ki you gonna I'm gonna tell you a situation and uska jo jawab hai wo aap gaane mein bataoge, gaane mein batana, okay, agar restaurant mein jao aur jagah nahi mile तो क्या गाना गाओगे? मैं करूंगा कहूंगा यारो यही दोस्ती है किस्मत से मिली और कंप्लेन करके गाऊंगा ये मैं, यारो यही दोस्ती है, हाँ ये वैसे ये अगली सिचुएशन पे ज्यादा जाता है, अगली सिचुएशन ये है कि व्हेन द लव ऑफ योर लाइफ गोज टू योर बेस्ट फ्रेंड, सो यारो यही दोस्ती इस पे जाता है, नहीं अब इसके बारे में ये दोस्ती हम नहीं भूलेंगे। ओके इफ यू वर इमरान खान एंड यू हैड टू स्टार्ट योर स्पीच विद अ सॉन्ग, बिजली आए या ना आए, ये गाना है कोई, बिजली आए या ना आए, यस सीरियसली, अच्छा ओके, यू आर स्टैंडिंग इन अ मॉल एंड वेटिंग फॉर योर मॉम के यार शॉपिंग खत्म कर ले, यू नो आई एम जस्ट वेटिंग आउटसाइड द शॉप, आई प्रोबब्ली गो टू स्लीप, बट डू यू टेक योर मॉम शॉपिंग, यस आई डू, ओके सो व्हेन यू होस्ट एन अवार्ड शो एंड यू फॉरगेट योर सीक्वल, यू फॉरगेट योर लाइन, एंड आई जस्ट ब्रेक इट टू अ सॉन्ग, एंड यू जस्ट लाइक फॉरगेट इट, फॉरगेट द लाइन, आई जस्ट मैं गाने गा लेता हूं, I'll probably break into a song that I know. I'll probably a song from Greece. Greece Latin.
probably that. Okay, okay. A local label that you love to buy. इसकी एग्जांपल दूंगा मैं आपको. एक दिन से रेड कारपेट पे पूछा था हु आर यू वेयरिंग. मैंने कहा था मेरे जूते लाइट हाउस के हैं, मेरी पैंट्स जो हैं ज़ेनर मार्केट की है, मेरी शर्ट संडे बाजार की है. तो लेबल ना हो तो भी फर्क नहीं पड़ता. पाकिस्तानी है, दिल है पाकिस्तानी. वेरी गुड. तो पाकिस्तानी फूड दैट यू लव टू ईट. कीमा आलू कबाब मैं शौकीन हूँ. और पाकिस्तानी ऑमलेट्स. Okay. A location or a city of Pakistan that is very close to your heart, other than your own, matlab you really want to go and visit and you love it. There are some place that I think I would want to stay or have a house somewhere around Hunza. Hunza, yeah, of course, yeah. Koi apne desi phrase that you jo main use karta hu bahut aala. Oh, bahut aala. Okay. A Pakistani action that makes like always when you're abroad and you're like, yeah, ye पाकिस्तान होता तो ऐसा होता. एक तो मुझे अच्छी हलवा पूरी चना बहुत याद आती है. कभी कभी दिल चाहता है ग्रीसी हलवा पूरी चना खाने का, तो वो मिसिंग हो तो या. ओके, वन थिंग यू वांट पाकिस्तानीज टू चेंज नाउ, लाइक यार सुधर जाओ, बदल जाओ. सफाई, आई थिंक दैट्स समथिंग जो बहुत जरूरी है. हमें अपना, हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, हम शीशे नीचे करते हैं और हम बाहर फेंक देते हैं खाना अपना. हमें ख्याल नहीं है और फिर हम बाकियों को गालियाँ देते हैं. हाँ, हम अपने अपने पुराने लीडर्स को गालियाँ देते हैं कि हमारा मुल्क ख़राब कर रहे हैं. नहीं, यू कॉन्ट्रीब्यूट टू इट. अगर आप कचरा फेंक रहे हैं तो बस उसका ख्याल करें. पहला स्टेप है वो. ओके, सो वन थिंग दैट यू लव अबाउट पाकिस्तान. आई थिंक हमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती यूनाइट करने के लिए. हमें छोटी छोटी चीज़ें भी यूनाइट कर देती हैं. हमें क्रिकेट भी यूनाइट कर देती है. हमें कॉमन एनिमी यूनाइट कर देता है. बट या, एंड आई थिंक हमारा लैंडस्केप जो है इस मुल्क का वो बेहतरीन है. और किस तरह चेंज करता है अगर आप साउथ से. सो वन थिंग इफ यू वुड से कि बाहर से कोई आए तो आप लाइक योर फ्रेंड्स और सबरी यू लाइक ट्रैवल नॉर्दर्न, जस्ट द एंटायर कंट्री और उसका लैंडस्केप देखें, चाहे वो डेजर्ट है चाहे वो बलूचिस्तान का लैंडस्केप है जो कि प्री हिस्टोरिक लगता है जब आप जाने वहाँ देखें. इट्स ब्यूटीफुल. वी वांट यू टू स्पेल फ्यूशिया. एफ यू एस सी एच. नो, फ्यू एफ यू सी एच एस आई. या, परफेक्ट. या, वाओ. हां, फुटसिया.